मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम टेंशन मेंबर की डिजाइन पढ़ रहे थे। टेंशन मेंबर में हमने जो लास्ट लेक्चर में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो था क्रिटिकल नेट सेक्शन एरिया से रिलेटेड। आज हम करेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम। तो मैं आपके सामने प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूँ और उसके बाद हम उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। Determine the design tensile strength of plate और उसकी साइज दे रखी है आपको। प्लेट की साइज 130 by 12 mm with the hole 416 mm dia with the hole 416 mm dia of bolt 16 mm dia of bolt and the grade of steel is and the grade of steel is Fe410। तो इस तरीके से हमें टेंशन मेंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, जिसके अंदर आपको क्या दी होगी, प्लेट की साइज दी हुई होगी, उसके साथ साथ आपको जो बोल्ट यूज हो रहे हैं उन बोल्ट का डायमीटर या बोल्ट होल का डायमीटर। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, बोल्ट के डायमीटर को डिनोट करते हैं हम डी से और बोल्ट होल के डायमीटर को डिनोट करते हैं हम डी नोट से। प्लेट की जो साइज दे रखी है तो ये दे रखी है विड्थ और थिकनेस। क्या दे रखी है? विड्थ और थिकनेस। और Fe 410 है मतलब Fu और Fy की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ के सारी वैल्यूज को कलेक्ट करना स्टूडेंट का काम होता है। आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी गिवन है उसको आप एक कॉर्नर में पेज के साइड में सारी चीजें नोट कर लें, सबसे पहला काम ये होता है। तो नोट करते हैं, डी होता है डायमीटर ऑफ बोल्ट जो दे रखा है 16 mm। तो अगर ये 16 mm है तो डी नोट कितना होगा, प्लस टू कर देंगे कितना आ जाएगा 18 mm। विड्थ कितनी है 130, थिकनेस कितनी है 12, ये दोनों भी किस में, एमएम में। अच्छा Fe 410 है मतलब Fu की वैल्यू तो हो गई 410 और Fy की वैल्यू हो गई 250। तो ये सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन में एक लाइन लिख देता हूँ कि जो हमें निकालना है वो किस तरीके से आएगा। किसी भी प्लेट के लिए जो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो मिनिमम होती है किसका, तीनों का। मिनिमम ऑफ कौन कौन से तीन, मिनिमम किस किस का होती है कि यील्डिंग रैप्चर और ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग रैप्चर और ब्लॉक शियर। ये तीन तरीके से हमने जब हम डिजाइन प्रोसेस पढ़ रहे थे, डिजाइन स्टेप्स जब पढ़ रहे थे टेंशन मेंबर की, उस टाइम हमने देखा था कि हम डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो यील्डिंग के केस में निकालते हैं, रैप्चर के केस में निकालते हैं और ब्लॉक शियर के केस में निकालते हैं। तो किसी भी प्लेट की जो ओवरऑल डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी इन तीनों की। क्या होगी? मिनिमम होगी इन तीनों की, मतलब हमें ये तीनों फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, फिर हमें पता चलेगा इन तीनों में से जो मिनिमम होगी वही हमारी क्या होगी, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। तो चलिए एक एक करके तीनों को फाइंड आउट करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जैसे हमने डिजाइन प्रोसेस देखा था उसी तरीके से, और फिर देखेंगे। अच्छा इसका डायग्राम और दे रखा है आपको, वो डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
इस तरीके से डायग्राम है जिसके अंदर ये डिस्टेंस है 60, ये डिस्टेंस भी कितनी है 60, ठीक है, और उसके अलावा जो अपर और डाउन साइड की डिस्टेंस है वो है 35, ये 35 और ये भी कितनी है 35, और ओवरऑल कितनी थी, ओवरऑल है 130। इस तरीके से डायग्रामों में दे रखा है, चार बोल्ट है। अब देखिए, अगर ये क्रिटिकल सेक्शन पर फेल होती है प्लेट टेंशन में, तो किसी भी एक सेक्शन पर होगी, चाहे वो अब आप इस वाले सेक्शन पे ले लीजिए या आप इस वाले पे ले लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पर हो जाए एक साथ, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 4, ये नंबरिंग कर दी मैंने। सबसे पहले निकालते हैं हम स्ट्रेंथ इन यील्डिंग, स्ट्रेंथ इन यील्डिंग की बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ इन यील्डिंग के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टी डी जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एफ वाई ए जी अपॉन गामा एम ओ, एफ वाई ए जी अपॉन गामा एम नोट। ये होता है फॉर्मूला किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम यील्डिंग के केस में फाइंड आउट करते हैं। तो अगर यील्डिंग के केस में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पहले देख लें ये सब क्या है। टीडीजी तो क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। एफ वाई क्या है, एफ वाई है यील्ड स्ट्रेंथ, क्या है यील्ड स्ट्रेंथ। ए जी क्या है, ए जी है ग्रॉस एरिया। गामा एम ओ क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 1.10। अब एफ वाई हमें डायरेक्टली दे रखा है कि एफ वाई की वैल्यू 250 है, कहां से निकाली हमने, स्टील ग्रेड दे रखी थी एफ ई 410 की, तो वहां से हमने एफ वाई फाइंड आउट कर लिया कि 410 ग्रेड के लिए जो एफ वाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 250। उसके बाद हमने गामा एम ओ, हम जानते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है जिसकी वैल्यू 1.10 होती है, हमने डिजाइन प्रोसेस में देखा था। और ए जी क्या है, ए जी है हमारा ग्रॉस एरिया। अब ग्रॉस एरिया क्या होता है, देखिए ग्रॉस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। क्या होता है, विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो विड्थ इनटू थिकनेस करेंगे, क्या करेंगे, विड्थ इनटू थिकनेस। तो विड्थ कितनी है, 130 इनटू थिकनेस कितनी है 12, ये आ जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, टी डी जी इज इक्वल टू ए एफ वाई की जगह तो रखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय ए जी, बी इंटू टी मतलब 130 इंटू 12 और अपॉन में कितना रखेंगे 1.10। तो यहां से मेरे पास टी डी जी की वैल्यू आ जाएगी टेंसाइल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग में, वो आएगी 3545 45 45 न्यूटन, 3545 45 न्यूटन। अब ये न्यूटन में आया, अच्छा आपको यूनिट जरूर याद रखनी है कि हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो किलो न्यूटन में मिलेगा या न्यूटन में मिलेगा। तो न्यूटन में क्यों मिला है, क्योंकि हमने ये जो एफ यू और एफ वाई की वैल्यू ली है ये एमपीए में ली है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, इसलिए हमें ये जो आंसर मिलेगा ये भी किस में मिलेगा, न्यूटन में। अब अगर ये न्यूटन में मिला है तो इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, क्या हो जाएगा 3354.54 किलो न्यूटन, ये हो जाएगी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। अब चलते हैं रैप्चर की तरफ, कि रैप्चर के केस में किस तरीके से हमें निकालनी है। तो देखिए, ये थी स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। अब चलते हैं रैप्चर के केस में, सेकंड देखते हैं हम, स्ट्रेंथ इन
रैप्चर। रैप्चर के केस में स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी डी एन इज इक्वल टू 0.9 इंटू एफ यू इंटू ए एन अपॉन अंडर रूट 3 इंटू गामा एम एल। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। सॉरी, यहाँ पर रूट 3 नहीं आता है, केवल गामा एम एल आता है, केवल गामा एम एल, गामा एम एल। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को पुट करना है, देखना है क्या है। एफ यू में आपको पहले ही बता चुका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है कितनी है, 410। गामा एम वन, गामा एम वन पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो गामा एम एल की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 1.25। अब रही बात ए एन की, ए एन क्या है, ए एन होता है नेट सेक्शनल एरिया। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू नेट सेक्शनल एरिया, ए एन हमारा होता है नेट सेक्शनल एरिया। और ए एन निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू बी माइनस एन डी नॉट और इनटू में टी थिकनेस। तो देखो रख दो, ए एन बराबर बी की जगह कितना रखेंगे 130 माइनस एन। आप क्रिटिकल सेक्शन पर या तो दो बोल्ट ये वाले हो सकते हैं, हो सकते हैं मतलब बोल्ट दो होंगे, तो दो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। डी नोट कितना है 18 और इनटू में थिकनेस कितनी है 12। तो यहां से जो ए एन आएगा नेट क्रिटिकल सेक्शनल एरिया वो आएगा हमारे पास 1128 mm स्क्वायर, 1128 mm स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हमें मिल गई, तो वो सारी वैल्यू उठा के कहां पुट कर दें, इसमें जहां पे हम स्ट्रेंथ इन रैप्चर निकाल रहे हैं। तो देखिए TDN इज इक्वल टू क्या होगा, 0.9 इंटू एफ यू की जगह 410 इंटू ए एन की जगह 1128 और अपॉन में कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी 332985, 332985 न्यूटन। ये भी किस में मिलेगी, न्यूटन में, इसको भी किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 332.98 एंड दिस इज द किलो न्यूटन। ये आ जाएगी हमारी स्ट्रेंथ इन रैप्चर। तो यहां से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम दो चीजें फाइंड आउट कर चुके हैं, एक तो फाइंड आउट कर चुके हैं यील्डिंग के केस में, एक फाइंड आउट कर चुके हैं हम रैप्चर के केस में। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे इसको, ब्लॉक शियर के केस में देख के। ठीक है, आई होप आप लोग कोशिश करके देखिएगा कि क्या आप इसके बाद ब्लॉक शियर के केस में, डिजाइनिंग में हमने क्वेश्चन बताए थे उस तरीके से आप कोशिश करना इसको कर पाओ, नहीं तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच।